अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर बॉय अहजम भट्टी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। तो भाई सुबह सुबह आप लोग उठ चुका है, अभी जो है तकरीबन 9:30 हो रहे हैं। तो भाई फटाफट से फ्रेश होकर रेडी शेडी होकर अब बनाने लगा हूँ मैं नाश्ता। तो फटाफट से नाश्ता बनाते हैं। और भाई चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी किया करो। तो फटाफट से नाश्ता बनाते हैं, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। हाँ तो बॉयज़, देर इज़ अ चेंज इन प्लान। अभी अभी आपके भाई को पता चला है कि आपके भाई की जॉब के लिए सिलेक्शन हो चुकी है। तो ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो अभी जो है मैं मौजूद हूँ इफ़ो के बस टर्मिनल पे। यहाँ से तकरीबन कोई 3 घंटे की ड्राइव है और अभी जो है तकरीबन 4 बज रहे हैं यहाँ पे। तो घंटे का वेट है यहाँ पे। और भाई ये बस टर्मिनल चेक करवाओ, फुल एयरपोर्ट वाइब दे रहा है भाई। तो भाई ये सामने जो है टिकटिंग काउंटर है और ये है वेटिंग एरिया। जब डिपार्चर के लिए वो बुलाएंगे तो इस एरिया में हमने वेट करना है। ये प्रॉपर जो है LCDs लगी हुई है, उस पर आपको प्रॉपर गाइड किया जा रहा है कि भाई कौन सी बस किस टर्मिनल से किस गेट से जानी है। फुल हैवी सीन है भाई। तो भाई अभी जो है बस का वेट करते हैं और देखते हैं अगर कुछ खाने पीने को मिलता है बेहतरीन सा तो खाते पीते हैं। उसके बाद जो है आपको बाकी का सीन दिखाता हूँ। लेट्स गो। 2 hours later. हाँ तो बॉयज़, फाइनली जो है हमारा सफ़र शुरू हो चुका है। अब जो है फटाफट से वहाँ पहुँच के आपसे मिलता हूँ। फाइनली 3 घंटे की मुसावत के बाद जो है आपका भाई फाइनली पोलिंग पहुंच चुका है। अभी जो है यहाँ पे हम वेट करेंगे हमजा भाई का, वो आके हमें पिक करेंगे। और भाई मत वाली है कसम से, 3 घंटे का सफ़र था, बड़ी मत वाली है। अभी जो है फटाफट से चलते हैं, कुछ खाने छाने का सीन करते हैं और उसके बाद जो है आपसे। 1 hour later. हाँ तो भाई फाइनली जो है रूम पे मैं पहुंच चुका हूँ। अभी जो है खाना छाना खा के फ्री हुआ हूँ, तो अब ज़रा हम रेस्ट करते हैं। बाकी का सीन जो है वो सुबह आपको दिखाता हूँ। तो गुड नाइट। नेक्स्ट डे। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग बॉयज। तो जैसा कि आप देख सकते हो आपका भाई फुल टाइम रेडी शेडी होके बाहर निकल चुका है। तो भाई सीन ये है कि अभी हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पे एक कैफ़े है, वहाँ पे नाश्ता नुश्ता करते हैं और जो है जाके ज़रा इंजॉय करते हैं। ओके तो बॉयज ये थोड़ी सी वॉक है, वो सामने मेन रोड है और तकरीबन 0.5 किलोमीटर के फासले पर जो है वो कैफ़े है। तो फटाफट से पहुंचते हैं कैफ़े और वहां जाके आपसे मिलता हूं। लेट्स गो। हाँ तो बॉयज़ पैदल पैदल जो है और अपने सफ़र की तरफ रवाना है और तकरीबन हम लोग पहुंचने वाले हैं। ये है जी यहां पे कैफ़े, बस तकरीबन 100 मीटर रह गया। तो फटाफट से पहुंचते हैं और ज़रा खाना शाना खाते हैं। तो भाई फाइनली हम लोग जो है कैफ़े पहुँच चुके हैं। और भाई ये लोकेशन है, चेक करो क्या खूबसूरत जगह बनाई हुई है भाई। ये देखो सारी बेलें लटक रही हैं भाई। बंदा ना बंदे की ज़ात नज़र आ रही है। आई थिंक वो कैबिन में है, शीशे वाला जो कैबिन है ना, इसमें है जी खाने पीने का निज़ाम। A few inches later. हाँ बॉयज फाइनली हम लोग कैफे पहुंच चुके हैं और भाई ये ज़रा व्यू चेक करो कैफे का, बड़ा ही खूबसूरत सा एम्बियांस है इसका। अभी जो है दोपहर का टाइम हो रहा है तो इतनी आवाम नहीं है। शाम के लिए जो है इन्होंने बाहर भी सीटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है। तो फटाफट से ऑर्डर करते हैं और उसके बाद है देखते हैं कैसा खाना है इनका।
A few minutes later. तो बॉयज़ फाइनली हमारा ऑर्डर आ चुका है. ये है हमारे पास चिकन चॉप विद फ्राइज एंड सम सॉसेस एंड दिस इज द कैफे लाटे एंड दिस इज कैफे मोचा. तो भाई फटाफट से खाना एंजॉय करते हैं और उसके बाद आपको बता दूँ कैसा टेस्ट. A few minutes later. हाँ तो boys finally हम खाना शाना खा के फ्री हो चुके हैं और भाई बड़ा ही मज़े का खाना था. और अब जो है आपको मैं बाहर का ज़रा आउटडोर विजिट करवाता हूँ. ये चेक करो, बड़ा ही खूबसूरत सी इन्होंने आउटडोर सेटअप किया हुआ है. पिक्स वगैरह बनाने की बड़ी लेवल जगह है. अभी जो है हमने फ़ोटोशूट किया है और बड़ी मज़े मज़े की पिक्चर्स बनाई हैं यार. और भाई यहाँ पर जो है फुल फार्म का जो है आपको टूर भी दिया जाता है. तकरीबन कोई 40 रिंगेट उसकी टिकट है पर पर्सन. ये चेक करो भाई, ये सारी उसकी डिटेल्स दी हुई है उसमें क्या कुछ आपको दिखाया जाएगा. तो अभी जो है हम टूर वगैरह नहीं ले रहे, हम चलते हैं वापस. तो बॉयज़ फाइनली इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आया होगा. और भाई अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो और वीडियो पे कमेंट भी लाजमी किया करो. और आप भाई को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो. तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज़.